जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रद्धा चौरसिया, कक्षा 12वीं एवं वीर शिवाजी पद की छात्रा, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर शुभकामनाएं। सोचो हिंदी, बोलो हिंदी, पढ़ो हिंदी। आज 14 सितंबर का दिन और यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भाव की अभिव्यक्ति है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम प्रार्थना सभा के लिए आगे बढ़ते हैं। विश्राम, सावधान, अपनी हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना आरम्भ करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार।
हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी, पढ़ो हिंदी। आज 14 सितंबर है, यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। देश में एकता के सूत्र को बांधने वाली हिंदी ही सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भाव की अभिव्यक्ति है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हिंदी की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए संकल्प लेने का दिन है। साथियों, आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा एक मत से हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया। इसी निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र के समर्पित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वृद्धा के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तब से हर साल पूरे देश में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम हिंदी भाषा के विकास, विस्तार, प्रचार, प्रसार और अपने योगदान दें। साथियों, हमारे देश के महान हस्तियाँ भी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरजोर समर्थन देती रही। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदी के जनमानस की भाषा कहा। आचार्य विनोबा भाव ने कहा था, मैं दुनिया की सभी भाषाओं को इज्जत करता हूँ, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश के हिंदी भाषा की इज्जत ना हो ये मैं कभी सह नहीं सकता। मेरे देश में हिंदी भाषा की इज्जत ना हो ये मैं कभी सह नहीं सकता। मैं अपने भाषण को समापन कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। बाकी भाषाओं को मैंने मजहब किताबों में रखा, बाकी भाषाओं को मैंने मजहब किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भाव में रखा। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी। सात समुद्र पार है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिशान, सावधान, दिशान। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। सबको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी हिंदी ही है संस्कृति हमारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे विद्यालय के सिफारिश सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भारतेंदु हरिचंद की इन्हीं पंक्तियों के साथ परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वत शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं और भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है, जिसमें उसकी लिपि देवनागरी होगी और संघ को हिंदी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। हिंदी के भारत में सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा देवबाड़ी संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश जो टूटी फूटी हिंदी में थी, अपभ्रंश के बाद अवधि भाषा ब्रज भाषा ने हिंदी में अपनी पकड़ बनाई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उसको चार भागों में विभाजित कर दिया। पहले भाग का नाम प्रीत भाषा का, दूसरे भाग का नाम भक्ति का, तीसरे भाग का नाम रीत का और चौथे काल का नाम गद्य काल दिया। उसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल भी कहा। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिचंद का जब समय आया तो उन्होंने हिंदी को प्रमुखता दिया, अवधि भाषा और ब्रज भाषा को पीछे छोड़ते हुए खड़ी बोली को प्रमुखता दिया। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन राजभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। जिस प्रकार हॉकी भारत
को 8 बार ओलंपिक में हॉकी ने स्वर्ण पदक दिया है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल आज तक नहीं हो पाया। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल, बहुत से लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। उसी तरह से भारत में आधी से अधिक आबादी हिंदी बोलती है। हिंदी भाषी राज्यों से गुजरते हुए ही लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन धर्म, जात और भाषा में फंसी हुई राजनीति ने आज तक भारत को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिला पाया। आज भारत के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थानों में चले जाइए तो वहां पे अंग्रेजी का बोलबाला है, हिंदी को उपेक्षित नजरों से देखा जाता है। हिंदी कहीं कोने में आपको सिसकती हुई मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह पैरवी जो होती है, बहस होती है, सब अंग्रेजी में होता है। जजमेंट होता है अंग्रेजी में होता है। भारत का संविधान बाबा साहब ने जो लिखा वह भी अंग्रेजी में लिखा गया है। हिंदी भाषी देश में तरह अंग्रेजी की स्थिति हिंदी से बेहतर लोग मानते हैं। अंग्रेजी को लोग पढ़ करके अपने आप को आधुनिक मान लेते हैं, सफल मान लेते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं वहां के शिक्षक इतने योग्य हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाने के बाद भी हिंदी में व्याख्या करते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बुक को पढ़ाने के बाद ही अंग्रेजी में ही व्याख्या किया जाता है, हिंदी में उसका व्याख्या नहीं किया जाता है। बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं जहाँ पे 10वीं के बाद हिंदी की शिक्षा नहीं दी जा रही है। या वहां पे आप जाएंगे तो लिखा हुआ होगा इंग्लिश स्पीकिंग जोन, वहां पे हिंदी बोलना मना है। अपने ही देश में स्कूलों में लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी को विस्तार देना होगा। भातुन हरिचंद ने कहा कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, कि आपकी उन्नति तभी होगी जब आप अपनी भाषा को जानेंगे। और आपकी अपनी भाषा, आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब तक हम उसका प्रचार नहीं करेंगे, उसका विस्तार नहीं करेंगे, हम किसी का भी विस्तार नहीं कर पाएंगे, किसी भी ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। दुष्यंत कुमार जी एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने गजलों को लिखा, हिंदी में गजलों को लिखा। राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने बहुत सारा व्यंग लिखा है गजलों के माध्यम से, और उन्हीं का एक छोटा सा गजल है। उस गजल को कहकर मैं अपनी भाषा को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्वतों की तरह हिलने लगी, सत लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वह आग किसकी है? हिंदी भाषा की आग है। हिंदी भाषा को हमको आगे लेकर चलना है, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सबका हिमा हिंदी भारत मान की आशा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुप्रभात एवं नमस्कार, सुप्रभात एवं नमस्कार। हम सभी के अभिभावक एवं मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम सभी को विदित है आज 14 सितंबर है, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं शेख सहानी शिवाजी वर्ग का साथ आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। यह भाषा हमारे देश का संस्कार एवं संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता की पहचान है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। सही भाषाओं में हिंदी भाषा का महत्व अमूल्य है।
हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के होते जा रहे अस्तित्व को बचाने का भी है। आज के समय में हम अंग्रेजी को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे लोग गवार समझते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाषाओं को सीखिए, लेकिन हिंदी भाषा के महत्व को कम मत होने दीजिए। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भी आना जरूरी है, लेकिन हिंदी भाषा को भूलकर नहीं। मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। हिंदी से बना है हिंदुस्तान, तभी तो भारत देश है महान। हिंदी से बना है हिंदुस्तान, तभी तो भारत देश है महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बहुत आंकड़े गिनाने नहीं है। दुनिया में लगभग 7,097 भाषाएं हैं और हिंदी उन भाषाओं में से तीसरा स्थान रखती है। भारत की आदि भाषा देववाणी संस्कृत इसकी जननी है और यह संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी है। इसलिए हिंदी उस महानदी के समान है जिसमें बहुत सी भाषाएं आकर के मिल जाती हैं। हिंदी दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। सेवा में इसके मेवा, इस आंखों को ना झपकने दो। हिंदी भारत की भाषा है, अपने आप पनपने दो। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम बड़े सहज ढंग से अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते। एक बात की चिंता बहुत लोगों को सता रही है कि हिंदी कहीं विलुप्त ना हो जाए। संसार में लगभग 2300 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और 250 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए लोगों की चिंता कुछ हद तक जायज है, लेकिन हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत देववाणी है और भारत की मिट्टी में हुआ है। मिट्टी की एक खूबी होती है कि जिस किसी को अपने में मिलाती है अपने रंग में ढाल लेती है और उसे पूरी तरह से पचा लेती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लैंटर्न हिंदी में आके लालटेन हो जाता है। और तो और बहुत से ऐसे भाषाएं हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी में यूं मिल गए हैं कि आपको पता नहीं लगेगा हिंदी के हैं किसी और के। चादर और चेहरा, चाहे चश्मा हो, चाहे कैंची और कारतूस हो, चाहे बम और बारूद हो, ये सभी भाषा दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। यहां तक कि कागज कलम, अखबार और कलमकार शब्द भी दूसरी भाषाओं के आए हैं, लेकिन कभी हमें सोचने का यह अवसर ही नहीं मिलता है कि ये दूसरी भाषा के हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो चीनी और लीची, रिक्शा और समोसा भी दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हिंदी ने इन्हें अपने आप में ऐसा पचा लिया है कि पहचान में नहीं आते कि हिंदी के हैं किसी और के हैं। रेल के साथ जब गाड़ी मिलती है तो रेलगाड़ी हो जाती है, सील के साथ जब बंद मिलता है तो सील बंद होता है, टिकट के साथ जब घर मिलता है तो टिकट घर हो जाता है। हिंदी की एक खूबी है। तो ज्यादा आपका समय नहीं लगे, बस इतना कहेंगे हर भाषा पढ़े, हर भाषा लिखे, भाषाओं से हमें परहेज नहीं है, पर हिंदी को हम भूल जाएं, हिंदुस्तानी है अंग्रेज नहीं है। जय जय भारत। जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। अब हमारी प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए विश्राम सावधान आप सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। राष्ट्रगान आरंभ करें। We'll be right back.
उधर आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आप दौड़ेंगे और भारत भारत में वन टाइम वन स्टेट अच्छी क्लासरूम से फिर और पास ही बाहर पास विदाउट और पास में ठीक है। काफी टाइम से खड़े हैं सभी अपनी अपनी क्लास में ओके थैंक यू। Let's go.